हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। हमने पिछले वीडियो में एक जनरल इंट्रोडक्शन की थी सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। तो उस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बोला था कि वैसे मैंने आपको करंट निकालना उसमें सिखाया था, करंट कैसे निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालना है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने की थी। तो उसके अंदर मैंने आपको लास्ट में बताया था कि हम एक ट्रिक करेंगे जिससे आप क्या करोगे, करंट जो है वो आसानी से निकाल लो। मतलब आपको क्या होता है कि वैसे सर्किट्स नहीं दिए दिए होते जो 10th क्लास में आपको दिए होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको दिए जाते हैं, मतलब आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश की जाती है लगातार, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको ऐसा दे देते हैं, इसमें 2 हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, किसी भी तरह से हो सकते हैं, ठीक है। सो आपने क्या करना होता है, करंट निकालना होता है। तो करंट निकालने के लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं या एक मेथड यूज करते हैं। इजीली अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, नो डाउट आपके पेपर के अंदर तो आपके पास टाइम होता है कि आप निकाल लो, 3 घंटे का टाइम होता है, इनफ होता है फिजिक्स के पेपर में। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता, तो आपको ट्रिक्स का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि वो ट्रिक्स के बेस के ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उतना ईजी आपके लिए रहता है। तो यहाँ पे हम ट्रिक करेंगे कि I1 क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V/R1 होगा। पैरेलल सर्किट में मैंने आपको बताया था दैट इज पी वी सिद्धू। अब पीवी सिद्धू क्या था कि पैरेलल में जो वोल्टेज है वो सेम रहती है, तो वोल्टेज तो वी आएगी, पोटेंशियल तो I1 V/R1 और I2 V/R2, ये चीज है। तो यहां से देखो ये V से V कैंसिल हो जाएगा, मैं अगर इन दोनों की रेशियो लूं तो I1 रेशियो I2 क्या आएगा, 1/R1 डिवाइडेड बाई 1/R2, ओके ये आ गया 1/R1 और 1/R2, क्योंकि V से V तो कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल किया, I1 रेशो I2 किसके इक्वल आ गया, 1/R1 डिवाइडेड बाय रेशो 1/R2, ओके। सो अब इसी को यूज करके हम प्रॉब्लम नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यानी हमने ट्रिक की थी, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 एम्पियर करंट जो है वो 2 रेजिस्टेंसेज में से निकल रहा है, एक तो 3 ओम का और एक 9 ओम का रेजिस्टेंस है। इसमें से I2 करंट जा रहा है 3 ओम वाले में से और ये हमारा I1 जा रहा है। मान लो ये R1 है और ये R2 है, ओके। तो I1 रेशो I2 किसके इक्वल था, I1 रेशो I2 इज 1/R1 रेशो 1/R2 इसके इक्वल था। तो यहां से देखो I1 रेशो I2 किसके इक्वल आएगा, 1/R1 यानी कि 1/9 रेशो 1/R2 यानी कि 1/3। यहां से इसका क्या करना है, देखो इस 3 को इधर ले जाओ, ठीक है, या आपने क्या करना है यहां से एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो 9 आएगा, अगर यहां पे मैं लिखूं तो 1 ही जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 3 3 9 होगा तो ऊपर कितना जाएगा 3, तो ये क्या बन गया 1:3 बन गया हमारे पास, ठीक है। इसका एलसीएम लो 9 आया। अब 9 के विद रिस्पेक्ट टू इसके देखो 1/9 करूँ मैं, 1/9 × 9 करूँ, एलसीएम 9 आया तो 9 से 9 कैंसिल होकर 1 बचता है, और दूसरे का अगर मैं करूँ तो 1/3 है और 9 आ रहा है तो कैंसिल करूँ तो 3 बचता है, तो क्या बन गया 1:3 बच गया। सो I1 प्लस I2 कितना है हमारे पास, 3 एम्पियर करंट पीछे से आया था और 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया I1 और I2 और वो प्लस हो गया, दैट इज 3 एम्पियर। तो I1 कितना आएगा, दैट इज देखो अब क्या करना है, जब भी आप रेशो निकालते हो ना आपने क्या करना होता है, इसका कितना पार्ट हो गया टोटल, देखो कितने हैं 4 पार्ट्स हैं हमारे पास, टोटल कितने हैं 4, और 4 में से 1 जो है वो I1 का है, तो टोटल क्या होगा I1 की जब रेशो लेंगे तो 1/4 बनेगा ये, ठीक है। फ्रैक्शन जब बनाते हैं टोटल कितने हैं 4 पार्ट्स, 4 में से 1 I1 के पास है और 3 I2 के पास चले गए, ठीक है। अब यहां से I1 निकालो तो 1/4 बन गया, 1 ये उठाना है और डिवाइड में हमने क्या करना है, इसको प्लस करके लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नॉर्मली करके दिखाती हूँ, देखो आपने क्या करना है, I1 कैसे निकालोगे, 1 लिखोगे, ठीक है, क्योंकि I1 कितना है 1 इस रेशियो के हिसाब से देखें तो, और यहाँ पे 1+3 कर दोगे और मल्टीप्लाई बाय 3 एम्पियर करंट से कर दोगे, तो ये क्या बन गया 1/4 × 3, तो ये बनेगा 3/4 एम्पियर। उसके बाद में I2 की बात करूँ तो I2 कैसे बनेगा, देखो I2 कितना है 3, टोटल कितना होगा 1+3 और मल्टीप्लाई बाय 3 एम्पियर, तो ये क्या बन गया 3/4 × 3,
दैट इज 9/4 एम्पियर। तो दोनों करंट आ गए हमारे पास, एक करंट आता है हमारा 9/4 एम्पियर और दूसरा आता है 3/4 एम्पियर। अब क्या करना है आपने, लास्ट में जब आपके करंट्स आ जाते हैं इनको ऐड करके देखो, अगर तो आपका अगेन 3 एम्पियर बन रहा है दैट मीन्स कि आपका आंसर जो वो सही आ रहा है, अगर नहीं बन रहा तो दोबारा आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट आपने क्या करनी है, रेजिस्टेंस की रेशियो लेनी है और कुछ भी नहीं करना। तो एक सिंपल मेथड है, यानी कि आप इस पे जाओ कि पहले वोल्टेज पता करो फिर रेजिस्टेंस को यूज़ करके करंट निकालो, इससे अच्छा आप नॉर्मली इसको यूज करके अपना करंट जो वो फाइंड आउट कर सकते हो। इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में चलते हैं इसी की सेकंड एग्जांपल के ऊपर, जिसमें आपको यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है तो दो की बजाय हम 3 लेके करेंगे। ओके, सो इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टू एग्जांपल्स, इन दो एग्जांपल्स के अंदर हम करंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ थर्ड वाली ज़्यादा है, ये तो ज़्यादा नहीं है। हमारे पास देखिए कितने करंट है, हमने इनकी रेशियो में लिखना है, इनको रेशियो में लिखें I1, I2, I3। अब I1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, R1, I2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, R2, और I3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, I3। सो इसको लिखिए, इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से 1/2 ratio 1/1 ratio 1/3। एलसीएम लीजिए इसका, क्या आएगा, 3 2s are 6 आएगा। अब 6 को यहाँ पे लेके जाऊँ मैं तो कितना आएगा, 3, क्योंकि एक तो कैंसिल हो जाएगा 2 into 3 और ऊपर भी 3। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 से, तो ये हो गया 6। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ठीक है, सो ये हमारे पास रेशियो आ गई। उसके बाद में हमारे पास देखो करंट कितना आ रहा है, टोटल करंट की वैल्यू कितनी है, 9 एम्पियर। सो I1 plus I2 plus I3 is equal to 9 एम्पियर, ये तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, सो अब हम I1, I2 और I3 कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बोला था टोटल पार्ट्स कितने होंगे, देखो 6 और 3 9, 9 और 2 11। 11 में से 3 पार्ट I1 के पास है, 11 में से 6 पार्ट I2 के पास है और 11 में से 2 पार्ट I3 के पास है। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे कर रही हूँ, I1 इज इक्वल टू कितना है, 3, टोटल कितना है 11, उसके साथ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 से। ठीक है, क्लियर हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 9 3s are 27/11 एम्पियर। इसको आप अगर सॉल्व करना चाहते हो आगे तो सॉल्व करके निकाल सकते हो, बाकी यहाँ पे छोड़ना तो भी आप इसको छोड़ सकते हो। I2 निकालें तो 6/11 into 9 54/11 into एम्पियर। ओके, उसके बाद I3 किसके इक्वल आएगा, 2/11 into 9 दैट इज 18/11। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास करंट की वैल्यूज I1, I2 और I3। इनको ऐड कर करके देखिए, 27 + 54 कीजिए + 18 कीजिए, अगर आपका 9 बनता है, 99 बनना चाहिए, अगर 99 बनता है दैट मीन्स कि आपका आंसर सही है, अगर नहीं बनता दैट मीन्स कि गलत होगा। ठीक है, बनेगा यहाँ से, क्योंकि ये हो गया 3 4 45, ये बनेगा 45 और 50 और 9, बन गया 95 और 499, 99 by 11 दैट इज 9 बन गया। ठीक है, सो ये हमारे पास आगे करंट की वैल्यूज फॉर दिस सर्किट। उसके अलावा इसको नोट कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही आपने क्या करना है, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक्स आपके पास है, चाहे NCERT है, कोई भी है, 10th क्लास की बुक उठा लेना, उसमें से अपने जो प्रॉब्लम्स है उनको प्रैक्टिस करके देखना। आपको फर्दर प्रॉब्लम्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं इसकी और जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो प्रोवाइड कर दूंगी इन द फॉर्म ऑफ PDF। ओके, सो इसको नोट डाउन कीजिए, मूव करते हैं आगे। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द लास्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल। इसमें थोड़ा सा काम आपको ज़्यादा करना है, और ज़्यादा काम क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, कि आपने पहले सिर्फ इतने सर्किट को लेना है, इस वाले को, और इसमें इसको R1 मान लेना है, ये आपका R2 हो गया, और ये जो है ये आपका R3 हो गया। इन तीनों को लेके हमने पहले पैरेलल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का
हमने एक रेजिस्टेंस निकालनी है, तो 1 बाय आर यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगे, 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3, दैट इज 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 3, ओके। इनका एलसीएम लोगे 12 आएगा, सॉल्व किया 9 बाय 12 आ गया हमारे पास, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 12 बाय 9 उल्टा हो जाएगा ओम के इक्वल, यानी कि 4 बाय 3 ओम हमारे पास इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई इतने सर्किट की, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट सर्किट को क्या करेंगे, यहां से इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। आपने अलग बनाना है, एक डायग्राम ये बनाओगे, एक इसके बाद में एक और डायग्राम बनाओगे, तो ये अब रेजिस्टेंस कितने का है, अब ये एक आर और बन गया, और ये आर क्या है 1 अपॉन आर, ठीक है, और कितने का है, दैट इज 4 बाय 3 ओम का। अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंसेस क्या है, सीरीज के अंदर है, तो सीरीज के अंदर है तो 2 प्लस 4 बाय 3 हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, तो हमने यहाँ पे सीरीज वाला फॉर्मूला लगाया और 2 ओम प्लस 4 बाय 3 ओम किया, यहाँ से एलसीएम लोगे 3 आएगा, 3 टू जर 6, 6 प्लस 4 इज 10, तो 10 बाय 3 हमारे पास टोटल जो रेजिस्टेंस है सर्किट की वो आ गई, ओके। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V बाय आर ई होगा, तो V हमें दिया हुआ है दैट इज 12 वोल्ट, और आर ई की वैल्यू हम 10 बाय 3 निकाल चुके हैं, 10 बाय 3 है ये, ठीक है, 10 बाय 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 36 बाय 10 हो गया। उसके बाद में अगर आप इसको लिख रहे हो तो 3.6 एम्पियर भी लिख सकते हो, बट हम इसको अभी तक जो लेके चलेंगे वो इतना ही लेके चलेंगे, दैट इज 36 बाय 10 एम्पियर, ठीक है, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशंस इजीली हो जाएंगी। सो अब देखो करंट आ गया टोटल, यही करंट जो है वो यहां से गया था आई और आगे जाके डिवाइड हो गया था तीन के अंदर, सो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री किसके इक्वल हो गया, 36 ओम के इक्वल हो गया, इन सभी रेजिस्टेंस में से जाके पास हुआ था। अब उसके बाद में देखो I1 रेशो I2 रेशो I3 किसके इक्वल था, पीछे मैंने करवाया दैट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 की रेशोस के इक्वल, तो I1 रेशो I2 रेशो I3 दैट इज 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3। अब वापस उसी डायग्राम पे जाएंगे हम, ठीक है, करंट निकालने के बाद में उसी डायग्राम से आपने जो मैंने आपको फर्स्ट जो करवाई थी क्वेश्चन उसके साथ वाली ही हमने देखे चलना, यानी कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो मेथड यूज करना है। जितने भी हमारे पास रेजिस्टेंसेस थे यानी कि 4 का था, 6 का था और 3 का था, तो हमने हर एक की रेशियो ले लेनी है। इनका एलसीएम लोगे अगेन कितना आएगा 12, 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है 3 पे, 6 के टेबल में 2 पे और 3 के टेबल में 4 पे, तो 3 रेशियो 2 रेशियो 4 आ गया। तो I1 कितना आएगा टोटल देखो कितना है, 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो टोटल आ गया 9, 9 में से 3 पार्ट जो है वो I1 के पास है, तो 3 बाय 9 इंटू करंट 36 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 36 बाय 10, काटोगे 9 के टेबल पे गया 4 पे, 4 इंटू 3 इज 12 बाय 10 यानी कि 1.2 एम्पियर। I2 क्या आएगा, ये 2 टोटल 9, तो 2 बाय 9 इंटू 36 बाय 10 ये कटा, फिर 4 पे गया, 4 टू जर 8, 8 डिवाइडेड बाय 10 इज 0.8 एम्पियर। उसके बाद में I3 निकालेंगे तो 4 बाय 3 इंटू 36 बाय 10 ये कट होगा, तो 4 4 जर 16 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1.6 एम्पियर। अब इसको आप ऐड करके देख लो, 1.2 प्लस 0.8 इज 2 बन गया, 2 प्लस 1.6 इज 3.6 और यहाँ पे भी हमारे पास कितना बन रहा था 3.6। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो हमने ट्रिक्स वगैरह यूज करके एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजीली हमने सॉल्व कर लिया। तो जहाँ पे आपको करंट ना दिया हो ना, अभी तक तो हमने जो पहले वाली दो एग्जांपल्स की थी उनके अंदर हमें करंट गिवन था, तो हमने वहां से इजीली निकाल ली कि हमने सीधा शुरू यहीं से किया, इतनी सी दूर में हो गया। बट जब आपको करंट नहीं दिया हुआ तो आपने क्या करना है, जो सबसे बड़े वाला सर्किट है, क्योंकि यहाँ पे हम पैरेलल की बात करें तो बड़े वाला सर्किट उठाना है, ठीक है, यानी कि पैरेलल वाला सर्किट उठाओ, उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यहां पे लगाओ, तो ये दोनों सीरीज में होंगे, तो सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2 ही होता है, तो R4 प्लस R किया, यहां से रेजिस्टेंस आ गया, बाय ओम्स ला करंट निकालो, उसके बाद में यहां पे हो, क्लियर। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स और कुछ एक ट्रिक का थोड़ा सा यू कैन से कि डेमोन्स्ट्रेशन की कैसे उसको यूज करना है, जब करंट आपको गिवन होता है तो कैसे यूज करोगे और जब करंट नहीं दिया हुआ तो कैसे यूज करोगे, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपको करंट दिया तो आपने इतनी सी कथा करनी है, बट अगर आपको करंट नहीं दिया हुआ तो पहले आप करंट निकालोगे उसके बाद में आगे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ, सो तब तक के लिए इसको नोट डाउन कीजिए।